ये है जयपुर, हमारा जयपुर। लगभग 300 साल पहले बसे इस शहर की हमेशा से दुनिया के सबसे व्यवस्थित और सुंदर शहरों में गिनती होती थी। पानी के लिए यहाँ के निवासी मुख्य रूप से बारिश पर निर्भर थे। लोग बावड़ियों और पारंपरिक ढांचों में बारिश का पानी इकट्ठा करते थे। करीब 300 छोटे बड़े नालों से गंदा पानी व सीवरेज वेस्ट इसमें गिरने लगा। इसके अलावा शहर का कचरा व फैक्ट्रियों से इंडस्ट्रियल वेस्ट भी इसमें फेंका जाने लगा। इसके गंदे पानी में बड़े पैमाने पर सब्जियां उगाई जाने लगी। कई बरसों तक बहते और जमीन में रिसते पानी ने मिट्टी और भूजल को प्रदूषित करना चालू कर दिया। जयपुर में रहने वाले लाखों लोगों की सेहत के लिए ये भविष्य में बहुत खतरनाक हो सकता था। एक और बहुत खतरा था बाढ़। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए समय समय पर JDA को निर्देश दिए। 2 साल के गहन अध्ययन के बाद जयपुर के इतिहास की सबसे बड़ी शहरी विकास परियोजना तैयार की गई। ये अपनी तरह की देश की पहली परियोजना है। 1600 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की इस परियोजना में भारत सरकार के NCR प्लानिंग बोर्ड से 1000 करोड़ रुपए से अधिक का ऋण सहयोग मिला। खुली निविदा यानी ओपन टेंडर में विश्व प्रसिद्ध भारतीय कंपनी टाटा प्रोजेक्ट्स को यह काम सौंपा गया। अप्रैल 2016 में द्रव्यवती परियोजना पर काम हुआ। नदी के बहाव क्षेत्र में जगह जगह बने अतिक्रमण को हटाकर पूरा रूट खाली करवाया गया। 40 किलोमीटर से भी अधिक के क्षेत्र में सारी गंदगी हटवाकर जमीन को समतल किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट के निर्माण 50 लाख रोजगार दिवस सृजित किए गए। नदी का एक भाग सैन्य छावनी क्षेत्र से होकर गुजरता है। पांच बड़े सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। दुनिया के किसी शहर की तरह सीवरेज वाटर को साफ करने की यहाँ पूरी व्यवस्था। करीब 17 करोड़ लीटर प्रतिदिन सीवरेज ट्रीटमेंट की क्षमता वाले इन प्लांट्स में शहर का सीवरेज साफ किया जाएगा। यही साफ और सुरक्षित पानी नदी में छोड़ा जाएगा। ये पानी की होगी और ना ही द्रव्यवती में पानी की कमी। द्रव्यवती शहर के भूजल स्तर को ऊपर लाने में भी सहायक होगी। 30 किलोमीटर लंबी कंक्रीट लाइनिंग में हर 300-400 मीटर पर एक चेक
की सेहत के साथ शहर की सुंदरता का भी अब एक नया रंग देखने को मिलेगा। जलधारा के किनारे पूरे रूट पर वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया है। फिरने के लिए 3 सुंदर लैंडस्केप्ड पार्क भी बनाए गए हैं। हमारी स्मार्ट सिटी जयपुर के लिए यहाँ वाईफाई हॉटस्पॉट जोन, इंटरैक्टिव कियोस्क, एनवायरमेंटल सेंसर्स, इमरजेंसी कॉल बॉक्स सिस्टम, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट बाइसिकल जैसी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज होंगी। इस पूरे इलाके को सुरक्षित रखने के लिए आईपी सर्वेलेंस कैमरों की भी व्यवस्था है। द्रव्यवती के किनारे 17,000 से भी अधिक पेड़ लगाकर लगभग 5,00,000 वर्ग मीटर का ग्रीन बेल्ट विकसित किया जा रहा है। जरा कल्पना कीजिए, जयपुर के बीचों बीच इतना बड़ा ग्रीन जोन शहर के पर्यावरण के लिए कितना फायदेमंद होगा। ऐसा काम इतने बड़े स्तर पर पहले कभी नहीं हुआ। ये तस्वीर है एक नए जयपुर की, पहले से भी ज्यादा स्वच्छ, पहले से भी ज्यादा स्वस्थ और पहले से भी ज्यादा सुंदर। ये है एक नया जयपुर, हमारा जयपुर।